नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक पे। मैं रवि तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण छोटी सी श्रृंखला के साथ। ये रटलो नहीं है, रटलो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित 12-12, 13-13 मिनट के वीडियोज की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए शुरू की है, जिससे बहुत महत्वपूर्ण करंट का समावेशन किया जा सके। इसमें मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं या जो लिख रहा हूं वो बहुत छोटे रूप में लिख रहा हूं, जिससे एक भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना और ज्यादा भाषा या ज्यादा मैटर का जो दबाव हो वो परीक्षा के समय आपके ऊपर ना आए। इस प्रयास को आप लोग लगातार पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सकारात्मक कमेंट भी कर रहे हैं, आपके यही सकारात्मक कमेंट हमारी ऊर्जा है। इसी क्रम में मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज मैंने विविध लिया हुआ है, मिसलिनियस लिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो पुस्तकों की बात करेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तक, उसके बाद बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं उनके नाम क्या है, फिर जो प्रमुख पखवाड़े या वर्ष घोषित किए गए हैं वो कौन से हैं, उनके वर्ष और पखवाड़ों की बात करेंगे, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो विकास हुआ है, जो आपके सैटेलाइट्स भेजे गए हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अभी अपडेट हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो 12-13 मिनट में बहुत सारगर्भित बात के माध्यम से लगभग 3 से 4 प्रश्नों की व्यवस्था में आप लोगों के लिए यहां पर करने चल रहा हूं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो शुरुआत करूं, संस्था की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको प्रेषित करना चाहता हूं। यहां पर आप जानते हैं कि संस्था में लगातार जो है बैच संचालित हो रहे हैं, तो पीसीएस का बैच संचालित हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। नवीन बैच में प्रवेश के लिए प्री कम मेंस के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप एंट्री लिखकर हम लोगों को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप एंट्री पीसीएस व्हाट्सएप नंबर है, और सुपर टेट का भी बहुत बढ़िया बैच चल रहा है, सुपर टेट में भी आप अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप एंट्री सुपर टेट लिखकर हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। हम बहुत मेहनत से आपको कक्षाएं इस समय प्रोवाइड करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आपके साथ जुटे हुए हैं। पीसीएस के लिए 15 से 16 बेस्ट शिक्षकों की टीम पूरे देश की हमने बनाई है और उनके साथ हम इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एक बैच हमारा पीसीएस का ऑलरेडी संचालित हो रहा है, वो बैच हमारा फुल हो चुका था, दूसरा बैच हमने फिर से प्रारंभ किया है जिसमें प्रवेश अभी चल रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग आज इस सत्र को। तो सबसे पहले देखिए किताबों के नाम कुछ ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। 2019-20 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह द्वारा प्रकाशित, है ना, नरेंद्र मोदी पर आधारित है। स्टोरी सो फार संदीप मिश्रा की किताब है। तो देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ किसकी किताब है, अमित शाह जी की किताब है, द्वारा प्रकाशित है, और किस पर आधारित है, नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लीजिए, है ना। स्टोरी सो फार संदीप मिश्रा जी की किताब है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म आरपीएन सिंह की किताब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आरपीएन सिंह, उनकी किताब है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की किताब है, कई बार पिछले वर्ष इस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन चित्रलेखा जुत्सी की किताब है। कश्मीर से संबंधित जितनी भी किताबें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। रणजी द म्यूजिक मेकर रस्कन बॉन्ड की किताब है, रणजी द म्यूजिक मेकर रस्कन बॉन्ड साहब की किताब है। इसके अलावा शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी की किताब है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और फिर से चुनाव में दिल्ली में जीते हैं आपकी सत्ता के बाद, और शिक्षा में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य किया है। तो उन्होंने एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट एज एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, द डॉक्टर फ्रॉम अ विसिंग ट्री सुधा मूर्ति जी की किताब है, ध्यान दीजिएगा। शांति से स्कूल तक मणिलाल मणिमाला रॉय की किताब है, शांति से स्कूल तक। सेट्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, सेट्स ऑफ सेफ्रॉन बीजेपी के बारे में लिखा गया है, केसरिया के अलग अलग जो आपके सेट्स हैं फ्रॉम वाजपेयी से लेकर मोदी जी तक, सवा नकवी जी की किताब है ना। माइंड मास्टर हमारे चैंपियन विश्वनाथन आनंद, शतरंज चेस चैंपियन, इनकी किताब है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसके बाद लिखा है बिकमिंग मिसेल ओबामा जी की किताब है, बिकमिंग मिसेल ओबामा जी की किताब है। द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म शशि थरूर की किताब है, शशि थरूर की एक और किताब है ना,
उसके लिए उनको एक पुरस्कार मिला है। मैंने आपसे उस किताब की चर्चा भी की थी और जब मैं आपको पुरस्कार पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जितनी पुरस्कारों से संबंधित किताबें हैं या जिन किताबों के लिए पुरस्कार मिले हैं वो समान रूप से किताबें क्या है उपयोगी है ना। गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फाली एस नरीमन, प्रसिद्ध हमारे जो है विधि वेत्ता है उनकी किताब है। इसके बाद स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स सलमान खुर्शीद जी की किताब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सरस्वती सिविलाइजेशन जीडी बक्सी जी की किताब है। रिसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिकल लेजेसी सुब्रमण्यम स्वामी जी की किताब है। ये कई विधाओं के मास्टर हैं और कई क्षेत्रों के सुपर मास्टर है। वीन गांधी पारो आनंद जी की किताब है। स्ट्रेट टॉक अभिषेक मनु सिंह की किताब है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, आइए और बड़े वकील भी है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन रवीश कुमार जी की किताब है। आप जानते हैं कि इस वर्ग का रेमन मैक्स से पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट 1883 से 1924 विक्रम संपत जी की किताब है। लेसन ऑफ लाइफ टफ मी ये अनुपम खेर जी की किताब है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण किताबें हैं। Why I am a Hindu राम नायक जी की किताब है। गेम चेंजर शायद अफरीदी वजाहत खान जी की किताब है, क्लियर गहा। और इसके अलावा देखें द न्यू वेल्थ नेशन सुरजीत एस भल्ला जी की किताब है। और भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके नाम यहां पर हम लोगों ने लिखे है ना, जैसे सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ शीला दीक्षित की किताब है। मोदी अगेन वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया आवास माल दाहियार जी की किताब है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन नवीन चावला जी की किताब है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम यहां पे मैंने आपको लिखे हैं। आप देखिए भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं वो क्या क्या हैं, इनके बारे में जान लीजिए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य जून 2020 तक भारत सरकार ने लिया है, आपसे पूछा जाता है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक लिया है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022 तक लिया है। ध्यान दीजिए मैं इनको रटलों में आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% तक, यह भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं 2022 का लक्ष्य है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य भी 2022 का है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य भी 2022 का है। घर घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति ये 2024 का है, 2024 तक का ये लक्ष्य लिया गया है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 का है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 का है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक, ये भी मैंने आपको बताया था, हारेगा टीबी जीतेगा इंडिया। बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य भी 2025 का है। ये भारत सरकार के कुछ लक्ष्य है, क्लियर। अब यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य अभी प्रधानमंत्री जी का बयान भी आया था, ये भी 2025 का है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 का है। और भारत से पूर्ण रूप का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी 2030 का है। इस बार मलेरिया से जो मौतें हुई उसमें 30% से ज्यादा की कमी भी आई है। आइए इसके आगे महत्वपूर्ण बात करते हैं। घोषित प्रमुख विषय किसी संस्था द्वारा किसी सरकार द्वारा वर्ष 2020 को जिस प्रमुख विषय के रूप में घोषित किया गया उसका शीर्षक क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं जल्दी से। हरियाणा सरकार द्वारा 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2020 को मनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ द्वारा पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष इसको घोषित किया गया है। इसके बाद प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जो आई हुई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पाबुक थाईलैंड की खाड़ी में आया है। वायु गुजरात में, होगी वीस जापान में, उस्मान मनीला में, फिलीपींस में। मैंने फिलीपींस से संबंधित दो और आपको बताए थे जिनको मैंने कल की क्लास में आपसे डिस्कस किया है, ध्यान दीजिएगा। फिलीपींस में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई है। टाइफून मैंने वहां पर आपको बताया था। डोरियन उत्तरी बहामास में आया। बुलबुल पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं। फोनी उड़ीसा में आया था और फैक्सई जापान में आया था। तो आज हम लोगों ने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल एक नई श्रृंखला के साथ फिर आपके समक्ष उपलब्ध रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।